आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती की कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों और किसानों को भी सम्मानित किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती का कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती की कार्यशाला रखी गई है और यहां तमाम स्टॉल लगाए गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ गुजरात के राज्यपाल भी यहां मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में जो तमाम स्टॉल आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सभी स्टॉल जो प्राकृतिक खेती हो रही है, जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है, उसके आधार पे बनाए गए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएँ। यहाँ कुछ फल फ्रूट रखे हैं जो साफ तौर से देखा जाए तो ये गौ आधारित जो खाद है उसके द्वारा बनाई गई हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो खाद उपयोग हो रहा है प्राकृतिक खेती के लिए, इसमें क्या अंतर है। जो अगर देखें तो जो पेस्टिसाइड नॉर्मल केमिकली रूप से बनाए जाते हैं, तो इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ जो स्टॉल लगाने वाले वो मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें और हमें ये बताएं कि जो ऑर्गेनिक खेती है और जो नॉर्मल खेती है, जो खाद का प्रयोग करके किया जाता है, उन दोनों में क्या अंतर है और मिट्टी में क्या दिक्कतें आती हैं अगर हम केमिकली खाद उपयोग करते हैं और इससे यूज करते हैं, तो क्या इससे अच्छाइयाँ आती हैं मिट्टी के अंदर में। मेरा नाम महेश कुमार श्रीवास्तव, मैं जिला उद्यान अधिकारी बाराबंकी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं उद्यान विभाग से संबंधित हूँ और जो खेती उद्यान विभाग में की जाती है प्राकृतिक खेती की तरफ से करने से फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें हमको जो दवाएं जो पड़ती हैं, केमिकल दवाएं पड़ती हैं, उनसे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है और उससे हमारे मित्र कीट भी मर जाते हैं। जब मित्र कीट मरने से पराकरण कम होता है और हमारे पैदावार घट जाती है। प्राकृतिक खेती के साथ गुणवत्ता बनी रहती है और जो मित्र कीट होते हैं वो हमारे जो है उनका उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं, वो हमारे बच्चे रहते हैं। दूसरी चीज़ है, जैसे वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते तो मिट्टी का टेक्सचर होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, पोरस होता है, जड़ों का बढ़वार बढ़िया होता है, पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, उत्पादन हमको बढ़िया मिलता है। अच्छा, अभी ये बताएं कि अगर कोई जो पेस्टिसाइड हो, इफ़को, यूरिया, तमाम चीज़ें, DAVP, तमाम चीज़ें यूज करता है खेतों में, और अगर जो वो वर्मी कंपोस्ट या ये सब जो गोबर की खाद है उसे उपयोग करे, तो लगातार अगर उपयोग कर रहा है तो क्या इससे खेत की स्थिति सुधरेगी और उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, ह्यूमस से जो अधिकतम होती है जो 19%, क्या उसमें उछाल आएगा? निश्चित तौर पर उछाल आएगा, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक जैसे जो भी चीज़ होती है, नेचुरल चीज़ होती है, बढ़िया होती है। केमिकल हमेशा कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, नुकसानदेह होते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी होते हैं, ज़मीन के लिए भी होते हैं और एक लंबे समय तक नुकसान पहुँचाते हैं, भूमि ऊसर हो सकता है उनसे लगातार उनके प्रयोग से। इसीलिए प्राकृतिक खेती की तरफ हमारी सरकार, हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है। किसान भी काफ़ी आगे बढ़कर आए हैं और काफ़ी आगे उसको लेके जाएंगे और फिर से हमारा भारत और उत्तर प्रदेश संपन्न होगा, समृद्ध होगा। अगर किसान इस गोबर की खाद का उपयोग ज़्यादा करता है तो जो खेत की अभी हालात है, क्या वो सुधरेगी और जो पैदावार है वो धीरे धीरे बढ़ेगा? निश्चित तौर पर पैदावार होगी, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, उसका इलाज आप करते तो समय लगता है उसको सही होने में और एक कुछ समय के बाद फिर वो पुरानी स्थिति वापस आ जाती है। तो वही स्थिति हमारे खेत की भी है, जैसे हम लोगों ने लगातार पेस्टिसाइड्स हैं या खादों का, उर्वरकों का प्रयोग किया तो कुछ समय लगेगा हमको, लेकिन हम लोग पुरानी स्थिति में फिर से आ जाएंगे और फायदा होगा। तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो औद्योगिक खेती, जो ऑर्गेनिक खेती है, इससे साफ तौर से जो खेत की स्थिति है, जो खेत बीमार हो चुका है, उसमें बेहतरी आएगी। और हमें ये बताएं कि ये जो तमाम वस्तु आप उत्पादन को बनाए हैं, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और क्या? सर, ऑर्गेनिक है, ये हमारा मशरूम से बना हुआ है, इसको हमारी महिलाएं बचे हुए समय, ये मशरूम है सर, ओएस्टर मशरूम है, ये मेडिसिनल मशरूम है, इसको आसानी से आप लोग एक छोटे से कमरे से उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन करके इसको हम लोग ड्राई करके इसका पाउडर बना सकते हैं और पाउडर बनाने के बाद इसके इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। मशरूम सर प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में है,
ये जैसे सर ये मशरूम है, इतना बैग बनाने में ये भूसा जो हमारा वेस्टेज होता है उसी भूसे से हम लोग इसको उत्पादन कर सकते हैं। 20 दिन में सर मशरूम का उत्पादन होता है, इसका वेजिटेबल सब्जी भी बना सकते हैं और सब्जी के साथ साथ बचा हुआ मशरूम को हम ड्राई करके इसका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर तो सर ये प्रोडक्ट बनते हैं, ये जैसे हमने अचार बनाया हुआ है ये इतना टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। इसको सर फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन डी होता है, तो विटामिन डी होने के कारण जो महिलाओं में हमारे जो हड्डियाँ कमजोर होती हैं, कुपोषित होती हैं, कुपोषित बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण होता है मशरूम सर। इसी से सर हमने 60 प्रकार के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं सर, इस तरीके का सर हमने पूरा बनाया हुआ है कि असहाय और बेरोजगार लोग। तो जितनी उत्पादन को आपने तैयार किया है क्या इसमें किसी तरह का खाद का प्रयोग नहीं किया है, और इससे खेतों में क्या बेहतरी आ रही है, और आप अन्य किसानों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि अगर देखें तो NPK यूरिया जो तमाम खाद जो केमिकली रूप से बनाए जा रहे हैं उससे खेतों का ह्यूमस उर्वरक शक्ति कम हो रही है। अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं तो क्या बेहतरी आएगी अब किसानों को एक संदेश? लोग इसको बीमारी के क्षेत्र में इसको बेहतर कर सकते हैं, जो आज बीमारियां जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री सर बता रहे थे कि आजकल के जो नौजवान बच्चे होते हैं नौजवानों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि हम सोच नहीं सकते। तो इसमें वो सर न्यूट्रिशन होते हैं मशरूम में कि वो उसको अगर सेवन करने से नहीं, हम डेली अगर सेवन कर सकते, वीकली अगर एक बार इसका सेवन करें तो हम बड़ी बीमारियों से सर ग्रसित नहीं हो सकते। और इसको बहुत ही छोटे कमरे में, इसमें कोई सर ऐसा यूरिया DAP कोई ऐसे केमिकल नहीं लगते हैं, आसानी से खाली पानी में स्टरलाइज करके इसको कमरे में उत्पादन कर सकते हैं, हल्का सा बॉयल वाटर करके इसका उत्पादन हो जाता है सर। इससे सर हमने डायबिटीज कैंसर जैसे पेशेंट को भी हमने इससे ठीक किया हुआ है सर, और हमारी महिलाएँ इसको आसानी से अपने एक छोटे से कमरे में उत्पादन कर सकती हैं सर। जैसे आज की डेट पे दूध हमारा बहुत कम मात्रा में हो गया, पनीर मिल नहीं पा रहा है सर, दालों में मिलावट की आ गई हैं, तो जो न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व तो हमको मिलते थे खाने में वो मिल नहीं पा रहे, तो वो सर मशरूम हमारा सब्स्टिट्यूट है। और इसको एक छोटे से कमरे में सर उत्पादन करके आसानी से 4 से 5 महीने में हम 10 से 15 हज़ार रुपया आसानी से इनकम भी कर सकते हैं सर, तो स्वास्थ्य के साथ साथ इससे पैसा भी कमा सकते हैं सर। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, साथ ही प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों और वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अक्सर जनता दरबार में बैठता हूं, उस दौरान 100 समस्याओं में से 10 समस्या बीमारी से ग्रसित लोगों की होती है। देश के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2021 में वाराणसी से इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर लागू करने के बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया, और आज प्रदेश ने भी इसके साथ ही इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है। हम सब जानते हैं कि यहां पर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 47 विकास खंड और 11,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 235 क्लस्टर बनाकर के गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए बजट के प्रावधान के साथ साथ अनुदान की व्यवस्था भी वहां पर प्रारंभ कर दी, जिसमें खास तौर से कैंसर से ग्रसित लोगों की समस्याएं होती है जो खेतों में उपयोग होने वाले आधुनिक खाद की वजह से हो रही है। इसलिए अगर हमें बीमारी मुक्त भोजन चाहिए तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होना होगा। मैं नौजवानों को तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हुए देखता हूं, उस समय में लगता है कि वास्तव में इसकी प्रतिभा और इसकी ऊर्जा का लाभ लेने से हम वंचित रह गए। उसको बचाने की वे मुहिम है, और इसीलिए मैं जब कुरुक्षेत्र के आचार्य जी के गुरुकुल में स्वयं देखने के लिए गया था और मैंने वहां देखा है खेती कैसे होती है, पशुपालन भारतीय नस्ल के गोवंश को कैसे उसकी उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने को मिला। और यही नहीं, वहां पर औद्यानिक फसलों को भी उन्नत रूप से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उधर कार्यक्रम में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि हम किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, साथ ही अगर हम देखें तो आधुनिक खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं।
जिसमें प्राकृतिक खेती को भी हम बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ किसानों की लागत को घटाने के लिए अब हम सोलर प्लेट किसानों को देंगे, जिससे कि उनकी सिंचाई व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सकेगी। हर साल बहुत बड़ी मात्रा में जितना दे रहे हैं उससे अगले साल डेढ़ गुना डोज, उसके बाद दो गुना डोज, तीन चार साल के भीतर रासायनिक खादों का DAP NPK यूरिया को दो गुने तीन गुने डोज में देना शुरू किया है और उससे सेहत को स्वास्थ्य को काफ़ी मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इस बात को बल देते हुए इसका प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के बार बार उन्होंने आग्रह भी किया है और उस पर प्रयोग भी शुरू कराए हुए हैं। दुनिया के भीतर प्राकृतिक उत्पादों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है और सामान्य रासायनिक उत्पादों की तुलना में दो गुना से लेकर के तीन गुना कीमतें किसान को मिल रही हैं, तो किसान की लागत घटे, उसकी आमदनी बढ़े, पर्यावरण सुरक्षित रहे, जल और वायु सुरक्षित रहें, और इसके लिए आवश्यक यह है कि हम गो आधारित प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। जो दरअसल इस कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खेती से उपजे कृषि उत्पादन को प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया था, जिससे किसानों की बेहतरी हो सके। साथ ही साथ विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न तरह की चीजों को भी दर्शाया गया था। कहीं किसान फसल बीमा योजना की जानकारी दे दी जा रही थी, तो कहीं कृषि उत्पादनों के बारे में बताया जा रहा था, तो कहीं खाद को बनाने की विधियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही थी। इनका कहना है कि जो तमाम खेती में केमिकली वाली खादें उपयोग हो रही हैं उससे साफ तौर से बीमारियों को आप दावत दे रहे हैं। आप ठीक सामने देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा का भी स्टॉल लगाया गया है, साथ ही यहाँ फूल सब्जी तमाम जो ऑर्गेनिक उत्पादन है उसकी पूरी तरह से यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। और वहीं आपको बताएं कि यहाँ ठीक सामने जितने तरह के यहाँ बिस्किट रखे हैं, चना रखा है, दाल रखा है, साथ ही तमाम चीज़ यहाँ रखे हैं जिससे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अग्रसर करने के लिए यहाँ पे एक पूरी कार्यशाला है। इसमें अगर देखें तो विभिन्न स्टॉल हैं, हर एक स्टॉलों पे अलग अलग तरह के उत्पादन रखे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम मूंग से लेकर, मटर से लेकर और जौ से लेकर, परवल से लेकर तमाम ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को तैयार किया गया है। और हाल फिलहाल में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो आम तौर पे किसान हैं वो पैदावार के लिए जो केमिकली खादों पर उपयोग कर रहे हैं उससे बीमारियों को वो एक तरह से दावत दे रहे हैं। और अगर देखें तो प्राचीन खेती में कहीं ना कहीं जो खाद थी वो गौ आधारित थी, गौ जो गौ की निकलने वाले गोबर हैं उससे बने कहीं ना कहीं खादों को उपयोग किया जाता था, तो बीमारियां कम होती थी। साथ ही साथ कैंसर, जो केमिकली खाद है कैंसर का एक बहुत बड़ा देखे तो कैंसर उससे अधिकतम हो रही है। साथ ही आप देख सकते हैं कि नोडप कंपोस्ट मॉडल रखा है, बर्मी कंपोस्ट पीट रखा है, बीज संशोधन की विधि रखी है, इससे हम आम तो घर से कैसे ऑर्गेनिक खाद को बना सकेंगे इसकी जानकारी यहाँ जो कर्मचारी है वो दे रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं, हमें ये बताएं कि ये जो दो जो तीन मॉडल आपने बनाया है ये आमतौर पर देखा जाए तो कचरे से, घर से जो तमाम होते हैं गोबर होते हैं उससे बनाया सकता है, तो क्या किसान को बेहतर तरीके से इसको उपयोग करके और कैसे उपयोग करें? मैं विनीत कुमार श्रीवास्तव, मैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में जो है अच्छे शिक्षक के पद पे हूँ और मेरा वर्ग जो है इस समय जो हमारी प्रदर्शनी होती है उनको ऑर्गेनाइज कराना, प्लस जो है यूपी में या जो बाहर जो प्रदर्शनी लगती हैं उसमें किसानों को हम लोग हाईलाइट करते हैं कि आप कैसे खेती करो, कि आपकी कैसे उपज दुगनी हो और आप कौन सी आप खाद डालें, कौन सा बीज डालें। तो इस समय ये जो हमारे ये हमारा जो इस समय जो ये एग्जीबिशन लगी है इसका मेन मोटो जो है कि आप रासायनिक खाद को ना करके आप जो है प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि प्राकृतिक खेती में खर्चे कम आते हैं और उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है और जो उससे उपज होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और उसका जो है किसानों को हमारी जो बड़ी जो बीमारियाँ होती हैं उससे लाभप्रद होती है। ये आपने जैसे हमसे कहा कि ये आपकी क्या है, ये सर हमारा ये बीज शोधन है,
ये बीज शोधन ये है कि हम जब भी कोई बीज बोते हैं तो उसको शोधित करना पड़ता है, जिसे हम राजौरिया कल्चर है या जो हमारे जो शोधित जो हैं उसमें हम डालते हैं और उसको इसमें जो है हम बीज को डाल के और उसमें जो है हम जो इसका दवा होती है वो डाल के हल्के पानी में इसको मिक्स करके उसको सूखे में कर देते हैं, जिससे ये जो है शोधित हो जाता है, इससे हमारी उपज क्षमता बढ़ जाती है। ये हमारा ये नॉर्डिक कंपोस्ट मॉडल है। नॉर्डिक कंपोस्ट जो है ये भी हमारा जो है जो घर की सड़ी हुई खाद जो है कचरा है पत्ती हैं इनसे बनाई जाती है। और ये चीज़ें इसमें डाले जा सकते हैं जिससे ये खाद तैयार हो जाए, कितने दिन में तैयार होता है? ये सब हमारी जो है 40 से 45 दिन से 50 के आसपास खाद तैयार होती है। और ये हमारी जो है ये केचुआ खाद है, ये केचुए खाद के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसके द्वारा जो हम केचुआ खाद जो से बनाते हैं, इसमें हम जो है गोबर है आपका कचरा है उससे मिट्टी है इसी के मॉडल के आधार पे हम जो है बनाते हैं। ये शेडदार चीज़ बनती है और ये हमारी 50 से 60 दिन में खाद बनकर तैयार होती है और ये बहुत सस्ती पड़ती है और किसान इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, उपज में अच्छा खासा फ़ायदा होता है। ये हमारे 3 मॉडल हैं। इससे जो ऑर्गेनिक खेती है, इससे जो खेत हैं आमतौर पर देखा जाए केमिकली खादों को जो हम उपयोग कर रहे हैं उससे खेत के ह्यूमस उर्वरक शक्तियां मर जा रही हैं, तो अगर हम इन सब खादों को उपयोग करेंगे तो पैदावार कैसा होगा और क्या इससे खेत की बेहतरी होगी? सर देखें, ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि जो केमिकल्स खाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज से नहीं बरसों से कर रहे हैं, तो हमारी मिट्टी जो बंजर की कंडीशन में हो रही है और जो इसके केमिकल की वजह से क्या है कि हमारी मृदा स्वास्थ्य जो है उसका बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो और हमको और आप जो ये बीमारियां जो हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, किडनी प्रॉब्लम हो रही है, वो खान पान से हो रही है। तो गवर्नमेंट जो है इस पर हमारा जो है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पे जोर दे रही है, क्योंकि ये हमारी सस्ती खाद पड़ती है, इसमें हमारे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और ये सस्ती पड़ती है, बनाने में सुविधा भी होती है, जिसका हमने हमारे जो LED चल रही है जिसमें हमने जो है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में बताया है कि इसमें काफ़ी विस्तार से आप देख भी सकते हैं, ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ हमने तमाम स्टॉल जो लगाने वाले लोग हैं उनसे बात किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक खेती है इससे जो खेत की हालात है केमिकल खादों को उपयोग करने के बाद, उससे जो खेत की ट्रीटमेंट भी होगी साथ ही साथ जो खेत की उर्वरक शक्ति है उसमें भी मजबूती आएगी और इस कार्यशाला से कहीं ना कहीं राज्य के किसानों की उन्नति का काम होगा। फिलहाल इस आयोजन से ऑर्गेनिक खेती की लोगों को जानकारी मिलेगी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।